सुंदर वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसकी एक बहन थी जिसका नाम बुलबुली चिड़िया था। वह दोनों बहुत गरीब थे। बुलबुली चिड़िया हमेशा से ही अमीर बनना चाहती थी। उसके लिए वह सोचती थी, अगर मुझे अमीर बनना है तो मैं मेहनत करके तो अमीर बन नहीं सकती। बस एक ही तरीका है अमीर बनने का, अगर मैं कोई अमीर चिड़े से शादी कर लूं, उससे के बाद मैं भी उतनी अमीर हो जाऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया को देखने के लिए एक पंछी आने वाला था। वह बहुत अमीर था। फिर बुलबुल चिड़िया ने सोचा, अगर टुनटुनी चिड़िया की शादी इस पंछी से हो गई, तो फिर टुनटुनी चिड़िया अमीर हो जाएगी। फिर पता नहीं मुझे कोई दूसरा अमीर पंछी मिलेगा कि नहीं। ऐसे आते हुए मौके में जाने नहीं दे सकती। कुछ ही देर बाद वह पंछी टुनटुनी चिड़िया को देखने के लिए आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया वहाँ पे नहीं होती है। तब बुलबुली चिड़िया बोलती है, देखिए जी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आपको बहुत पहले से मैं जानती हूँ। आप मुझसे शादी कर लीजिए। टुनटुनी चिड़िया आपको पसंद नहीं करती है। आप मुझसे शादी कर लीजिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तुमको पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो तुमको जानता भी नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो क्या हुआ, आप मुझे नहीं जानते हैं? तो मैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं रोज आपको देखती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझसे शादी कर लीजिए। तभी टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ पे आ जाती है और अपनी बहन की बात सुन के बोलती है, अरे जब मेरी बहन इतना करके बोल रही है तो शादी कर लीजिए, क्या परेशानी है? आप मुझसे मत शादी कीजिए, मेरी बहन से शादी कर लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आखिरकार वह पंछी मान जाता है और बुलबुली चिड़िया और उसकी शादी हो जाती है। बुलबुली चिड़िया अमीर बन जाती है और वह सोचती है, मैं तो अब अमीर बन गई हूँ। अब मैं कभी भी गरीब पंछियों से दोस्ती नहीं करूँगी। अब मैं हमेशा अमीर पंछियों से दोस्ती करूँगी। मैं अपनी बहन से भी अब बात नहीं करूँगी। आने दो उसे, कभी उसे साफ साफ बोल दूँगी मैं। कुछ ही दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया फिर बुलबुली चिड़िया के घर पे आती है। तो बुलबुली चिड़िया बोलती है, देख रही हो टुनटुनी, मैं कितना अमीर हो गई हूँ। अब मैं तुम्हारे से बात नहीं कर सकती। तुम जाओ, जाके अपना काम करो और उसी टूटे फूटे घोंसले में रहो। मैं तो अब बड़े घर की रानी हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो बहन? तुम तो ऐसी नहीं थी। क्या हो गया है तुम्हें? कौन बहन? मैं तुम्हारी कोई बहन वहन नहीं हूँ। जब तुम छोटी थी तब तुम कहीं पे और थी। तुम्हारे माता पिता का पता नहीं। मेरे माता पिता ने तुम्हें उठाया और छोटे से इतना बड़ा किया। और देखो, तुम आज मेरी बराबरी करने चली हो। तुम जाओ और यहाँ से चली जाओ। आगे से कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो बुलबुली चिड़िया? देखो मैं तुम्हारे लिए प्यार से कितने बढ़िया ताजे ताजे फल ढूंढ के लाई हूँ। पिछले दिन ही तोड़े थे। अभी तुम्हारे लिए बस आपने नहीं खाई और तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना टुनटुनी चिड़िया? मैं बोल रही हूँ, अब ये सब फल मेरे कोई काम के नहीं। अब मैं बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खाती हूँ। मैं अब फल नहीं खाती। ले जाओ अपने फल। ऐसे फल तो हमारे यहाँ नौकरों को दे दिए जाते हैं और तुम मुझे दे रही हो। जाओ टुनटुनी चिड़िया, चली जाओ और आगे से कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। इस तरह उदास होकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने घोंसले में जा कर के रोने लगती है और सोचती है, आखिर बात क्या है? मेरी बहन तो ऐसी कभी नहीं थी। वह शादी के बाद इतनी बदल गई कि मुझसे रिश्ता भी नहीं रखना चाहती है। अब मैं क्या करूं? मैं जा रही हूं कहीं और यह जंगल छोड़ कर के, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे रहूंगी मुझे अपनी बहन की याद आती रहेगी। इस तरह वह जंगल छोड़ के चली जाती है।